मैं कुछ कहना चाहता हूं उस बात पर शुरू करना। जरूर सर, जरूर। पूरे प्रदेश भर में अभी 119 स्थानों पर, अब मुझे एकदम संख्या तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि 3 लाख टैबलेट तो अभी तुरंत बटेंगे, 2 लाख बाद में बटेंगे, तो आज लाखों की संख्या में हमारे जो 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी, उनके अध्यापक गण, उनके अभिभावक गण, तो ऐसे सब लोग जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज सब लोगों ने इस दिन, जिसको 5 मई और आज 2022 है, आप लोगों ने मेरे लिए शुभकामनाएं की हैं, तो ये मैं आपको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज के दिन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, सुबह से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं और मैं उसका उत्तर दे नहीं पा रहा हूं। सही मायने में तो मैं उसका उत्तर जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना बड़ा जगत आज मेरे साथ जुड़ा है, वो प्रश्न जो मेरे से पूछा जा रहा है, वो प्रश्न मैं आपको करता हूं और आप उसका उत्तर अपने विवेक से दीजिए, गूगल गुरु से दीजिए, किसी अध्यापक से पूछिए। अध्यापक वृंद भी अगर उस प्रश्न का उत्तर कहीं ठीक से ढूंढ के मुझे बता सके तो मुझे बहुत बड़ा लाभ होगा, मैं भी जो मेरे से पूछ रहे उनको उसका उत्तर दे पाऊंगा। मेरा जन्म 5 मई 1954 का है और आज 5 मई 2022 है। गणित का हिसाब है, बहुत सब हिसाब लगा सकते हैं कि 68 वर्ष मेरी आयु हो गई है। प्रश्न ये है कि ये जो मेरा जन्मदिन है, ये 68वां जन्मदिन है कि 69वां जन्मदिन है? अब ये सुबह से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे पता नहीं, मैं जानकारी भी नहीं रखता हूं। अभी यहां स्टेज से ज्ञानेंद्र जी ने कहा 69वां जन्मदिन, बहुत से संदेश मेरे पास आ रहे हैं 68वां जन्मदिन की बधाई, पोस्टर भी लग गए हैं 68वें के। अभी 69वां है कि 68वां है अभी नहीं पूछता, आप उत्तर की तैयारी करिए। जब ये सारा वार्तालाप बाकी लोगों से हो जाएगा, 10 मिनट के बाद आपसे मैं हाथ खड़े करा के पूछूंगा। आगे चलिए जी। शिवानी सर हमारे साथ जुड़ रही है पंचकुला से, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 15 पंचकुला। शिवानी आप अपनी बात शुरू कर सकती हैं, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार शिवानी। सर मेरा नाम शिवानी है, मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 15 पंचकुला की छात्रा हूँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद शिवानी। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपके द्वारा ये जो योजना चलाई गई है, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शिवानी ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे। आज आपको ये टेबलेट या तो मिल गया होगा या अभी मिल जाएगा, ये जो आज योजना शुरू की जा रही है ई अधिगम, इस योजना से आपको क्या लाभ होगा, आपको जानकारी है आपको? यस सर। बताइए सर, इस योजना के साथ इसने मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बोर्ड में पढ़ाई होगी और मैं बोर्ड की कक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त करूंगी ही, उसके साथ मैं अच्छे कॉलेज में दाखिला भी लूंगी और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग भी लूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि आपने सब सीख लिया, इसको कैसे चलाना है? सर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग ने इस ट्रेनिंग की, बल्कि जिस कंपनी से टेबलेट लिए हैं उनके साथ ये करार कर रखा है कि वो सब आपको वीकली ट्रेनिंग भी दिया करेंगे, वीकली मंथली। यस सर। टीचर्स के साथ करेंगे, टीचर्स फिर आपको देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बैठिए। बहुत बहुत आभार शिवानी और शुभकामनाएं आपको। सर करनाल से गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो रेलवे बोर्ड रोड पर है, रेलवे रोड पर, वहां श्रीमती सुमनलता जी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की अध्यापिका हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना चाहती हैं। सुमन जी बोलिए। सुमनलता जी
लगता सुन जुड़ नहीं पाई है सुमलता जी, और कोई बोली आगे जी। नेक्स्ट में नेक्स्ट, तब तक मैं कोशिश करता हूं। मोहम्मद शमीम है सर, यमुनानगर से, अभिभावक हैं, इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं। नमस्कार सर। सुमन जी, मैं करनाल से सुमलता जी। हाँ बोलिए सुमन जी। सुमन जी आवाज सुन पा रही हैं? और आज इस शुभ अवसर पर जो आज आपने, जी सर सबसे पहले सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो सर। चलिए, और आपने जो सर प्रश्न किया था, पहले उसका जवाब दे दूं मैं कि आप 68 के हुए हैं सर, 69 के नहीं, मैं वर्ष तो मेरे तो सर जन्मदिन 68 वर्ष पूरे हुए हैं, वो तो हिसाब किताब बता रहे हैं। कैसे हम चाहते हैं कि आप 68 के हो, क्योंकि हमेशा एज कम होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ती है इससे तो थोड़ा सा मैच्योरिटी की ही फीलिंग आती है। प्रश्न ये नहीं है सुमलता जी, मैंने बताया गणित का हिसाब है ये तो, कि मैं 68 का हो गया हूँ, लेकिन ये जन्मदिन कौन सा कहलाएगा, 68वां कहलाएगा कि 69वां कहलाएगा, प्रश्न ये 69 कहलाया जाएगा। ये तो बात है, ये 69 है आपका जन्मदिन, ये मैं बाद में पूछूंगा, 10 मिनट के बाद जब ये सारा इंटरेक्शन हो जाएगा तब पूछूंगा कितने परसेंट क्या बोलते हैं, तब तक जरा और अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे सब, अभी इसका विषय नहीं है। अभी तो ये बताइए कि ये जो टेबलेट हम दे रहे हैं, आप इसमें बच्चों का भविष्य ये कैसा देखते हैं, भविष्य में कितना इनको लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताइए। सफलता के लिए सर समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, और जैसे आज समय की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का युग है, और सारी स्किल्स जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम लोग उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि जो हमारे बच्चे थे जो इस लाभ से अब तक वंचित थे, जैसे कोविड टाइम में हम लोगों ने देखा है कि जब हम ऑनलाइन जुड़ पाते थे बच्चों से, तो कुछ ही बच्चे हमारे साथ लिंकअप हो पाते थे, अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल या उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो ये सर आपका प्रयास जो है सराहनीय है, इससे जो हमारे गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं सच में उनके लिए ये एक सपना जैसा हुआ है, कि जैसा उनका एक सपना था आकाश को छूने का, तो ये टैबलेट अब पूरा जो ग्लोबल की एजुकेशन है उनके हाथ में आ गई है, और वो हाथ से ही ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं। उनके साथ साथ हम टीचर्स भी ग्लोबल स्टूडेंट बन गए हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, दोनों टीचर हमारी आपस में कन्वर्सेशन होके और बच्चों का इसमें बेस्ट से बेस्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे, और बच्चों को भी हम ऐसे एजुकेट करेंगे कि वो अपने आप को जो ये टैबलेट है इसके थ्रू लिंकअप करके अपना बेस्ट से बेस्ट देके सक्सेसफुल लाइफ बने। एक जानकारी मैं और दे रहा हूँ, क्योंकि सभी अध्यापक वृंद भी साथ जुड़े हैं, आज 10वीं 11वीं विद्यार्थी के छात्रों को तो टैबलेट दिया ही जा रहा है, इनके साथ 33,000 अध्यापक उनको भी ये टैबलेट दिया जाएगा। जी सर, हमें भी मिल रहा है, सभी पीजीटीज को हमें भी मिल रहा है, उसके लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं सर, क्योंकि हम तभी इन बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा पाएंगे जब वो हमारे पास हमारे हाथों में भी होगा, क्योंकि तभी अगर हमारी नॉलेज कंप्लीट होगी तो हम उनको अच्छे से चीज के बारे में नॉलेज दे सकते। चलिए आगे ज्ञान जी सर। जी बहुत बहुत आभार सुमलता जी, बहुत बहुत आभार। सर यमुनानगर से मोहम्मद शमीम है, इनकी बेटी सोनिया वहां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, उनसे बात वो बात करना चाहते हैं, अभिभावक है मोहम्मद शमीम जी। शमीम साहब जी, शमीम साहब बोलिए। हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। धन्यवाद। तो और कुछ कहना है आपको? हाँ कहना है सर, क्या आपने जो हरियाणा सरकार ने जो ये कदम उठाया है हमारे बच्चों के लिए, इस कदम की हम बहुत सराहना करते हैं, और बहुत बड़ा कदम है ये, किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं लिया जो आपने कर दिखाया है। चलिए बहुत अच्छा है। अब एक चिंता जरूर आपको हुई होगी कि हम टेबलेट तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन अब टेबलेट को जब लगातार उपयोग करेंगे तो इसमें इंटरनेट का जो डाटा है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, और वो डाटा नहीं सर, मैं बता रहा हूं डाटा जरूर तो पड़ेगी, लेकिन आपको ये जानकारी है ना कि हमने इसके साथ डाटा जो फ्री दिया है
डाटा कोई पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़ेगा, फ्री मिलेगा आपको। जी सर, इसकी जानकारी है। हाँ। ये हमारी हरियाणा सरकार ने सभी विद्यार्थियों के लिए किया है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फ्री दे देना चाहिए ना, पैसे तो नहीं लेना चाहिए, पैसे तो नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, पैसे निकाल सर, आप जैसी सरकार हमारे साथ है तो हमें पैसे की क्या जरूरत है। पैसे तो आपके हमारे एक ही जैसे है, एक ही है जी। चलिए चलिए चलिए, अगले आभार शमीम जी, मोहम्मद शमीम जी, बहुत बहुत आभार। और फतेहाबाद से हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य पेरेंट भी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रोजी जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें मुख्यमंत्री महोदय के सामने। जी रोजी जी, रोजी जी आवाज आ रही है? जी हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ रोजी जी, हाँ रोजी बोले। मुझे नमस्कार सर जी, ये श्री रोजी है कि श्रीमती रोजी है? श्री रोजी है, श्री रोजी है सर जी, नाम तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। चलिए बोलिए बोलिए सर जी। सबसे पहले तो आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर जी। धन्यवाद सर। हम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के टीएमसी के जो सदस्य हैं सर, तो सबसे पहले आपके एसएमएससी है या सीएमसी? नहीं है, ये सीएमसी बोला सर। अच्छा सीएमसी बोला, एसएमसी सर। हाँ तो आपने सीएमसी बोला, ये एसएमसी है। तो एसएमसी कितने कितने मेंबर हैं एसएमसी में? 28 है। 28 मेंबर है, तो ये जो 28 मेंबर हैं इनका भी कोई योगदान रहेगा इसमें कि हमने सब बच्चों को क्या क्या योगदान करेंगे एसएमसी वाले लोग? सर इसमें जितनी भी संभव कोशिशें होगी हम करेंगे सर जी, जैसे चार्जिंग प्वाइंट लगाना या लाइट के जैसे भी जो भी होगी हम करेंगे सर जी, सोलर सिस्टम वगैरह जो भी होगा ये करेंगे, क्योंकि चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी घर में, वो व्यवस्था आपने इनको देनी होगी। और ये वो सर करें, घर में ये उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? आप भले ही टेबलेट नहीं जानते होंगे लेकिन कम से कम निगरानी तो रख सकते होंगे ना कि ये सब बच्चे इसका टेबलेट का घर में उपयोग भी करें, क्योंकि अब ये क्लासरूम ऐसा हो गया, ये अपने हाथ में आ गया, स्कूल का कमरा क्लासरूम नहीं है, अब तो अपने हाथ में क्लासरूम है, जहां जाएंगे वहीं खोल के बैठेंगे। इसलिए इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये जिम्मेवारी एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को बतानी होगी, सभी पेरेंट्स को, सभी उनके जो अभिभावक हैं उनको। ठीक है ना? चलिए ठीक है सर जी, धन्यवाद धन्यवाद, आभार बहुत बहुत शिरोज जी। और सर यहाँ हमारे बीच में एक अभिभावक हैं, मजदूरी करते हैं, आज बहुत खुश हैं इस बात पर कि उनको उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इस तरह से मार्ग प्रशस्त हो रहा है। सतीश इनका नाम है और इनका बेटा 12वीं में गवर्नमेंट जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी रोड पर है वहाँ। हाँ अच्छा, आप ही का नाम सतीश है ना, तो आप क्या कहना चाहते हैं आज? इनको दे दो जरा। अच्छा माइक्रोफोन एक कॉर्डलेस दो। हेलो, किसी भी अभिभावक के लिए सबसे बड़ी उसकी चिंता और सबसे खुशी की बात भी शिक्षा को लेकर होती है बच्चों की, और आज ये भी बहुत उत्साहित हैं। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई होए, और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक भिवानी रोड पर, उसमें मेरा बेटा 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है आदित्य, और ये जो टैब मिले हैं उनके बारे में एक रागनी द्वारा आपको सभी देशवासियों के संदेश देना चाहता हूं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री ने इसी योजना बनाई से, डिजिटल इंडिया हो हमारा यहे मन में ठाई से, डिजिटल इंडिया हो हमारा यहे। आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना, लेकिन मैं तुम्हें पैसे बचाने की एक तरकीब बता सकती हूँ। वो क्या?
अपने घर में पीएनजी चूल्हा लगवा के। अच्छा, पीएनजी चूल्हा 20-25% तक गैस की बचत करता है, जिससे 1200-1500 रुपए तक की सालाना बचत होती है। फिर तो महंगा होगा ना? बिल्कुल नहीं, इसकी कीमत एलपीजी चूल्हे के बराबर ही। पीएनजी कनेक्शन के साथ पीएनजी चूल्हा ही लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए पीसीआरए से संपर्क करें। नई सौगात लाने से डिजिटल इंडिया हो रहा हमारा, या है मन में ठाणी से मात पिता इस योजना का पूरा लाभ उठावेंगे, सालाना 3500 का खर्चा इस तरह राहत पावेंगे, प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे, प्रधानमंत्री के सपने को मिलकर सफल बनावेंगे, मेरे बच्चों का विकास होगा, इर र र र र र र मेरे बच्चों का विकास होगा, सतीश ने बिठानी से डिजिटल हो भारत मारा, या है मन मठानी से भारत ओ भारत के प्रधानमंत्री ने इस स्कीम चलाई से डिजिटल इंडिया हो हमारा, या है मन मठानी से। धन्यवाद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी अध्यापकगण मंत्रीगण आए, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सतीश जी, बहुत बहुत आभार आपका, और सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का कि जो उन्होंने इतना समय और स्नेह दिया। प्रदेश भर में जो हमारे अलग अलग केंद्रों पर बच्चे हैं, उनसे बात किए, अभिभावक से, मेंबर्स से, या सबसे बात किए अध्यापकों से। अब ये समय है जब मैं अलग अलग ग्रुप में मेरे वाली बात तो रहेगी अभी। अच्छा, वो तो रहेगी। अब मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर पूछता हूँ, क्योंकि अभी तक तो जो बैठे थे दूर दूर सब लोग, अब वहां से सबसे पूछना संभव नहीं है, उनकी काउंटिंग करना भी संभव नहीं है। वहां के जो आयोजनकर्ता हैं अपने अपने विद्यालयों में ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां उसकी संख्या जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे बाद में लेनी हो तो ले लेना। अभी मैं हाथ खड़े कराऊंगा, इस विशाल कक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो मंच पर हैं, चाहे सामने अभिभावक गण हैं, अध्यापक गण हैं, वाइस चांसलर तक बैठे हैं, पीछे छात्र, ऊपर भी सब छात्र हैं, तो जिनका ये विश्वास है कि ये 69वां जन्मदिवस है, 69वां, वो जरा हाथ खड़े करो। ये संख्या होगी लगभग 50% से ऊपर ही है। क्यों? चलो नीचे करो, अभी बाद में पता लग जाएगा। जिनको लगता है कि ये 68वां जन्मदिन है, वो जरा हाथ खड़े करो। ये भी संख्या लगभग उतनी है। अच्छा, जो जो मेरे जैसे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि 68वां है कि 69वां है, मैं नहीं समझ पाया अभी, वो जो है वो हाथ खड़े करो। ऐसे अब ये आज की पहेली, इस पहेली को आप सुलझाइए, सुलझा करके इसको खोज करिए, और खोज करके और अपने मैं और तो क्या कहूं, शिक्षा विभाग को, सब अपने अध्यापक मुख्याध्यापक उनको बताइए, और वो संकलन करेंगे, फिर शिक्षा विभाग के जो हमारे ऊपर के लोग हैं उसका निर्णय करेंगे कि ये 68वां है कि 69वां। धन्यवाद।